नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम आरंभ है, प्रचंड है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आज का दिन बेहद ही खास है। जहां एक तरफ करवा चौथ की धूम है, तो वहीं आज दुबई में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है। ये मैच अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दोनों ही देशों में जो फैंस है इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पाक के बीच मुकाबले हमेशा से ही रोचक रहे हैं। अभी दोनों मुल्क ICC टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का हाई वोल्टेज होना तो स्वाभाविक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत लगातार पाकिस्तान को करारी हार दिलाता चला रहा है, तो आज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, सभी भारतीय उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारत पाक को धूल चटा देगा। अगर हम बात करें पुराने मैचों की, तो T20 वर्ल्ड कप 2007 से इस फॉर्मेट की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद जो नतीजा था भारत और पाकिस्तान मैच का वो टाई रहा था। वहीं अगर हम अगले T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो जो फाइनल 2007 में खेला गया था उसमें भारत 5 रनों से जीता था। वहीं अगला T20 वर्ल्ड कप 2012 में खेला गया था, जिसमें भारत एक बार फिर से जीता था और पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। वहीं बात करें वर्ल्ड कप 2014 की, तो नतीजा भारत के ही पक्ष में रहा था और भारत 7 विकेट से जीता था। वहीं पिछला वर्ल्ड कप 2016 में खेला गया था, जहां पर भारत एक बार फिर से जीता था और पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी हार मिली थी। और एक बार फिर से इसी इतिहास को दोहराने के लिए भारतीय टीम आज उतरने वाली है। तो आपको बता दें कि दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से ये मैच होना है, और इसी मैच को लेकर इस वक्त भारतीय लोग हैं, सभी की दिलों की धड़कने बढ़ चुकी है। हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, जिसमें दोनों ही टीमें इस वक्त पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर हम बात करें दोनों टीमों की, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम को डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर बाबर आजम कैप्टन की भूमिका में रहने वाले हैं। वहीं उनके साथ मोहम्मद रिजवान और फकर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम और शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हसन अली और हरीश राउद जो है वो पाकिस्तान की टीम से खेलने वाले हैं। अगर हम भारत की बात करें, तो अभी तक भारत ने अपने प्लेइंग 11 की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जो संभावित प्लेइंग 11 है, अगर हम उसकी बात करें, तो रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती का भी नाम शामिल इसमें बताया जा रहा है। वहीं मोहम्मद शमी का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। तो आज ये ऐतिहासिक मुकाबला होने वाला है, और इसी मैच को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आज का मुकाबला किस प्रकार से होने वाला है, दोनों ही टीमों की क्या क्या संभावना है, और क्या संभावना है कि आज एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा। और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हमारे दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले आपको दोनों गेस्ट से मिलाना चाहते हैं। तो हमारे पहले गेस्ट है अरविंद सिंह, क्रिकेट एक्सपर्ट है ये, और हमारे दूसरे गेस्ट है अभिषेक यादव। तो ये दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ेंगे, और पूरे मैच को लेकर जो भी बड़ी खबरें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले मैं अभिषेक यादव से पूछना चाहूंगी, मैच जिस तरीके का हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, हमेशा से भारत पाकिस्तान का मैच इतिहास ही रचता रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ एक्साइटमेंट है आज के मैच की? जैसा कि जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का हमेशा मैच बहुत हाई वोल्टेज होता है जी। सबसे बड़ा कारण इसका ये भी है कि ये सिर्फ दो टीम नहीं खेलती है, दो देश खेलता है, सबसे बड़ा ये कारण। और जहाँ रही बात बड़े टूर्नामेंट्स की, तो वर्ल्ड कप जैसा सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, इसमें अच्छी टीमें पार्टिसिपेट करती है। तो जैसा आज का मैच है, 7 बजे टॉस होगा और काफ़ी बड़ा मैच होने वाला है। जैसा फिर मैं बोलूँगा कि दो देश खेलेंगे, इसमें सिर्फ 11 प्लेयर नहीं खेलेंगे, इसमें दो देश खेलेंगे, इसलिए ये मैच काफ़ी रोमांचक और काफ़ी देखने में भी मज़ा आएगा। जी, तो अब मैं ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी अरविंद सिंह जी से। तो ओपनिंग कमेंट आपका, कि क्या मैच को लेकर इस वक्त रोमांचकता आप लोगों में दिखाई दे रही है? ये पूरे भारत में और पाकिस्तान दोनों के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड कप का एक अलग इमेज होती है,
इस पे दोनों कंट्री के देश के जो खिलाड़ी होते हैं और जो वहाँ के नागरिक होते हैं, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी। और ख़ासकर भारत के दृष्टिकोण से वर्ल्ड कप में हमेशा भारत का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा है। 95% मैचेस भारत ने जीता है, एक मैच ड्रॉ हुआ था, तो आज का मैच वैसे भी पलड़ा जो भारत का भारी है। वजह है कि IPL जैसे फॉर्मेट भारत में बहुत सफल हो रहे हैं, वर्ल्ड के जितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं वो भारत में IPL खेलते हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं वो IPL से अच्छी परफॉर्मेंस और इस विकेट पे, इस मैदान पे वो प्रैक्टिस करके ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो खेल चुके हैं, इसलिए उनका पलड़ा आज के दृष्टिकोण से भारी रहेगा जी। तो अरविंद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह आज का मैच रोमांचकारी होने वाला है, इसको लेकर जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो किस तरीके का ये स्टेडियम है, किस तरह की पिच रहने वाली है, लो स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग है, क्या कुछ जानकारी? ये नव निर्मित ग्राउंड है और हमेशा इस पे 160-170 स्कोर सही रहेगा और भारत का बॉलिंग साइड और बैटिंग साइड और फील्डिंग साइड दोनों अच्छी है जी। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान में सिर्फ फ़ख्र जमा और उनके रिजवान हैं और बाबर आजमन, तीन ही प्लेयर ऐसे हैं जो वाइटल है। अगर तीनों शुरू में इनके विकेट निकल जाती है तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और भारत के लिए आसान मैच आसान हो जाएगा जी। अभिषेक यादव जी, मैं आपका रुख करूंगी, जिस तरह से अभी संभावित प्लेइंग 11 हमने आपको इंडिया का बताया, पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी टीम को डिक्लेयर कर चुका है, ऐसे में क्या लगता है पाकिस्तान ने भी जिन खिलाड़ियों का चयन किया है वो भी किसी भी दृष्टि से कम नहीं है? अगर हम बात करें तो बाबर आजम अपने आप में एक बहुत अच्छे प्लेयर है और अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वो इस वक्त T20 में सेकेंड रैंकिंग पर है। वहीं पर अगर हम देखें तो हसन अली भी अच्छी पोजीशन में है, ऐसे में क्या लगता है कि जो भारत का संभावित प्लेइंग 11 है क्या इसी के उसमें फॉर्मेट में जाना चाहिए या कुछ भारतीय टीम को बदलाव करने चाहिए? जैसा कि भारतीय प्लेइंग 11 आपने बताया कि संभावित, उसमें जहां तक लगता है कि 7 बजे से टॉस होने वाला है तो पहले विकेट कैसा है कैसा नहीं, उस हिसाब से अगर हमें ज़्यादा मीडियम पेसर्स खिलाने, फास्ट बॉलर खिलाने और कितने स्पिनर्स खिलाने, उस हिसाब से हमें अपने टीम को तय करना चाहिए जी। और लास्ट में जैसे क्या है कि हम 4 ओपनर के साथ गए हैं, केएल राहुल, रोहित शर्मा और ईशान किशन जी, 3, और विराट कोहली भी ओपन करते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात है कि एक लाइनअप, एक टीम को कैसे लेके चलेंगे सबसे जरूरी है। जैसे विराट कोहली ओपन करने आते हैं रोहित शर्मा के साथ, या केएल राहुल आते हैं, या ईशान किशन जैसे अभी अभ्यास मैच में काफ़ी अच्छा खेले, तो पहला तो ये आएगा कि ओपनिंग कैसे कराते, किससे कराते। तो आई थिंक रोहित शर्मा और केएल राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए, 1 डाउन विराट कोहली और 2nd डाउन सूर्य कुमार यादव, ऐसे चीज़ें चलनी चाहिए। और लास्ट में जब बॉलर का आया तो बॉलर में अश्विन काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो अश्विन को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए, और जडेजा ऑलराउंडर एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और मीडियम पेसर की बात करें तो हमें एक चांस तो लेना पड़ेगा बड़ा डिसीजन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जी, तो इनमें से कोई एक को ड्रॉप करके एक को तो हमें खिलाना पड़ेगा। और जैसा कि जानते हैं कि भुवनेश्वर कुमार को स्विंग का बादशाह कहा जाता है, तो उनको आप प्लेइंग में रख के मैच को एक तरफा बना सकते हैं जी। अभिषेक यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने पिच के बारे में जानकारी दी और आपने बताया कि किस तरीके से पिच अच्छी रहने वाली है, अच्छा खासा स्कोर बन सकता है, वहीं अगर हम बात करें तो जो अभी वार्म अप मैचेस हुए हैं उसमें भारत और पाक दोनों की स्थिति बहुत अच्छी रही है, दोनों ही टीमों ने चेस किया था और दोनों ही टीमें जो थी वो विजयी रही थी, तो क्या लगता है आज का मैच क्या कुछ टक्कर वाला रहेगा? देखिए क्या होता है कि ऑन पेपर अगर देखा जाए, ऑन पेपर क्या हमेशा अगर T20 का फॉर्मेट देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम थोड़ी अच्छी कह सकते हैं, बट उनके ऊपर 95% तो प्रेशर ही रहता है, जैसा कि बड़े मैचों में वो हमेशा मुंह के बगल गिरते हैं, सबने देखा है। तो सबसे T20 फॉर्मेट में क्या होता है, 2-4 प्लेयर, 2 बैट्समैन बहुत अच्छा कर दिए, 3 बैट्समैन बहुत अच्छा खेल दिए शुरू के ऊपर के, और 2 बॉलर शुरुआत के अच्छे डाल दिए, लास्ट ओवर अच्छा डाल दिए, तो 2-2 करके होता है। लेकिन एक मेन फैक्टर जो होता है फील्डिंग, एक अच्छा कैच पकड़ना, एक अच्छा रन आउट करना, सबसे बड़ा फैक्टर ये करेगा जो दबाव में एक रन आउट कर दिया। तो मुझे लगता है कि फील्डिंग और बॉलिंग और बैटिंग तीनों फॉर्मेट में, जैसे फील्डिंग है तो फील्डिंग में सभी को अच्छा करना पड़ेगा, बट बैटिंग बॉलिंग में किसी 2-3 को अपना पूरी जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा जी।
अरविंद जी, जिस तरह से आज का मैच कहीं ना कहीं एक बहुत रोमांचकारी होने वाला है, वही चुनौती भरा भी होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विराट कोहली का ये आखिरी कप्तानी से भरा ये मैच T20 वर्ल्ड कप का रहने वाला है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ टीम पर इस वक्त प्रेशर होगा? मेरे को लगता है कि इससे कोई प्रेशर नहीं है। विराट कोहली को 12-13 साल हो गए इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, और जहाँ तक सवाल है, विराट कोहली जी कोशिश करेंगे कि उनका ये अंतिम कप्तानी में वर्ल्ड कप है जी। तो मुझे लगता है कि अपना 100% देंगे, और टीम उनकी अच्छी है। ऋषभ पंत जैसे नंबर 4 या 5 पे खेलने वाला, KL राहुल, विराट कोहली, और सबसे बड़ा एक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी हैं, जो IPL में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है और उन्होंने अपनी इमेज खुद बिल्ड करी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक सवाल है विराट कोहली के लिए, उनकी टीम एक बहुत वेल बैलेंस्ड टीम है। जो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर बैठेंगे वो भी अच्छे हैं, जो जिनको मौका मिलेगा वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि इनके पास भारत का ये T20 गेम ऐसा है कि दिन की बात होती है। अगर भारत का दिन अच्छा रहेगा तो भारत अच्छा खेलेगा, अगर पाकिस्तान का रहेगा तो पाकिस्तान अच्छा रहेगा। कल वेस्टइंडीज के साथ क्या हुआ, वैसा ही हुआ कि वेस्टइंडीज जैसे मतलब मोर एक्सपीरियंस T20 के अच्छी टीम होते हुए भी 58 पे ऑल आउट। तो आज का जहाँ तक सवाल है, टॉस बहुत वाइटल है। अगर भारत टॉस जीता है तो मेरे हिसाब से उसे फील्डिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ड्यू फैक्टर भी लागू होता है। शाम को ओस पड़ती है, अगर वो उसे बॉल स्किट करती है, बल्ले पे बहुत अच्छी आती है, तो मुझे लगता है कि सब डिपेंड करता है टॉस के ऊपर, और टीम जब डिक्लेयर होगी और पिच का बिहेव कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है जी। अभिषेक जी, अगर हम स्कोर की बात करें तो जो वार्म अप मैचेस अभी तक हुए हैं, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था जहां पर इंडिया ने चेस करते हुए 192 रन्स 19 ओवर में बनाए थे। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच खेला था उसको चेस किया था और उन्होंने 15 ही ओवर में 131 रन बना लिए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि आज दोनों ही टीमें जो मैच में उतरेंगी वो पिच पे उतरने वाली है, तो क्या स्कोर बन सकता है? नॉर्मल एवरेज स्कोर मुझे लगता है कि अगर पहले टॉस इंडिया जीतती है जी, तो पहले फील्डिंग ही करेगी और पाकिस्तान को कम से कम स्कोर पे रोकना चाहेगी। और कहते हैं कि एक स्कोर बन सकता है उसका, मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 160 150 जी। जी तो अरविंद जी, जिस तरह से 150 to 160 का आज कारण चेज आपको लगता है कि वो हो सकता है, तो ऐसे में जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसको ज़्यादा मुश्किल हो सकती है? देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान का दर्शक वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं जी, और जहाँ तक सवाल है दर्शकों का, तो उस पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। रही बात गेम मैदान की बात है, तो भारत की टीम वेल बैलेंस्ड टीम है, और भारत के जितने भी क्रिकेटर हैं वो लगभग 150-200 T20 के मैचेस IPL में खेल चुके हैं, और IPL फॉर्मेट ऐसा है कि इंटरनेशनल स्तर पे ये सबसे बेहतर फॉर्मेट है, और वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे जितने भी भारतीय हैं सब उन बॉलरों के खेल चुके हैं। एक बस बैड लक ये है कि पाकिस्तान IPL में नहीं खेलता, इसलिए भारतीय जो हमारे बैट्समैन हैं या बॉलर हैं उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा, जो नए लड़के हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। रही बात बाबर और फ़खर जमा वगैरह, ऐसे खिलाड़ी इनके खिलाफ भारत हमेशा खेल चुका है। रही बात मैच की, तो भारत का पलड़ा हमेशा भारी है और भारी रहेगा जी। तो अभिषेक जी, जिस तरह से आज के मैच की बात हो रही है, सब कह रहे हैं कि भारत का पलड़ा, एक तरीके से अरविंद जी ने बोल दिया कि भारी है, ठीक है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 2007 से लेकर जो आज तक का रिकॉर्ड रहा है वो तो ये कहता है कि एक बार भारत ने जीत दर्ज की थी और एक बार पाकिस्तान ने, तो इस बार क्या लगता है कि रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज होने वाला है? वो तो भारत के नाम पे ही होने वाला है जी। जैसा कि 95% है कि इंडिया जीतेगी, और जीतेगी भी, शाम को जो रिजल्ट 11 बजे आएगा वो इंडिया के हक में ही आएगा जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि आज भारत का पलड़ा भारी होने वाला है, भारतीय दर्शक भी इस वक्त काफी खुशी से इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, सबके जो धड़कने हैं वो भी थमती हुई नजर आ रही है। जिस तरह का आज का रोमांचकारी मैच होने वाला है, बहुत वक्त से इस मैच का इंतजार किया जा रहा था। T20 वर्ल्ड कप जिस तरह से कोविड महामारी के चलते पोस्टपोन हो रहा था, आखिरकार आज से उसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भारत के लिए एक और है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी वो इस बार टीम में शामिल नहीं है, एज अ प्लेयर वो हमारी टीम के साथ नहीं होंगे और वो नहीं खेलने वाले हैं। तो ऐसे में अभिषेक जी क्या लगता है? वो टीम में तो नहीं है, लेकिन एक मेंटर के तौर पे इंडिया से जुड़े हुए हैं,
तो इससे इंडिया की जो प्लेइंग 11 है या इंडिया की जो टीम है उससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर और काफ़ी नामी प्लेयर जुड़ा हुआ है, तो उसका फ़ायदा इंडिया को काफ़ी मिलने वाला है। और धोनी के न रहने से और चीज़ों से कोई फर्क उतना ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषभ पंत जैसी छवि अपना बना के अभी तक रखे हुए हैं, ईशान किशन ऋषभ पंत, जिससे आने वाले टाइम में फुलफिल कर सकते हैं धोनी की प्लेस को, ऐसा मुझे लगता है। और रही बात विराट कोहली की कैप्टनशिप की है, अगर धोनी कैप्टन थे तो अभी विराट कोहली कैप्टन है, तो विराट कोहली भी बहुत अच्छे कैप्टन है, बट सबसे बड़ी बात होती है कि हाई वोल्टेज मैचेज है, तो यहाँ पर कैसे अपने आप को शांत स्वभाव से रखते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं, डिसीजन कैसा लेते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होगा एक छोटे फॉर्मेट जी। तो अरविंद जी, जिस तरह से उन्होंने अभिषेक जी ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी का टीम में ना होना भी खास फर्क नहीं दिखाता, तो बीते मैचों में जिस तरह से हमने स्थिति देखी कि विकेट के पीछे से गेम बदल दिया जाता था, मतलब एक डीआरएस जो था वो धोनी से रिलेटेड माना जाता है कि धोनी ने बोल दिया कि डीआरएस है तो मतलब आउट है प्लेयर, तो वो बंदा आज टीम में नहीं होने वाला है। मेंटोर है, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लेयर्स के बीच में मौजूद नहीं होगा, तो क्या लगता है कि इसको लेकर टीम पर कोई असर पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होने वाली। धोनी का जहाँ तक सवाल है, हर खिलाड़ी को एक न एक दिन अपने संन्यास लेना पड़ता है जी। और भारत विराट कोहली को भी जाना है। और एक बहुत आपको एक आश्चर्य वाली बात बताता हूँ कि इसमें रवि शास्त्री जी का भी अंतिम है वर्ल्ड कप है, और क्या नाम है, एज ए कोच, और विराट कोहली का एज ए कैप्टन ये अंतिम मैच है। तो दोनों चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर टीम उतारें और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें, ताकि ये उनके उन दोनों के लिए और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने अभी विराट कोहली ने कभी वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट में कभी कोई कप्तानी करी जी, है तो उसमें सफलता नहीं मिली। तो मुझे लग रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जितने प्लेयर हैं 16-17 वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि दोनों कोच और कप्तान जी, अरविंद जी, माफ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी इस वक्त जुड़ चुके हैं, खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमारे संवाददाता के साथ मौजूद है। तो अश्विनी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके साथ इस वक्त हमारे क्रिकेट प्रेमी जुड़े हुए हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है वो जुड़े हैं, क्या लग रहा है आज को मैच को लेकर, क्या रोमांचताओं के बीच में है? जी, आपको बता दें आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर बात की जाए तो युवा खिलाड़ियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ये मैच काफी अहम माना जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मैच उनके लिए कितना अहम है और कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिला। क्या नाम है आपका? हेमंत यादव। ये मैच कितना ज्यादा अहम है इंडिया पाकिस्तान का और क्या कितना उत्साह है इस मैच के लिए? तो हम लोग बहुत दिनों से रेडी थे और इस मैच के में हमको ये देखना है कि धोनी जो मेंटरों की तरफ से रखे हैं वो टीम को कितना सहयोग कर सकते हैं। इस बार जो है, और भी युवा से बात करते हैं, इस बार जो है जो प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से आउट होगी तो उसमें कितने कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा बेहतर है? विराट कोहली। विराट कोहली जी। और इस बार मैच में कितना ज़्यादा कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? इस बार मेंटोर MS धोनी बने हैं तो कुछ मतलब अलग होगा, अब की बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी जी, जी। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका कहना है इस वर्ल्ड कप में। क्या नाम है आपका? कुणाल सिंह। कुणाल जी, ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है काफ़ी अहम मैच है और ये मैच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो कितना ज़्यादा अहम है ये मैच और दुबई का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो इंडिया के अकॉर्डिंग कैसा है और कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस पर? इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए IPL अभी रिसेंटली बंद हुआ है, जैसे कि टीम इंडिया पूरी वहाँ खेली हुई है तो उतना मतलब पाकिस्तान वहाँ खेली नहीं है अभी, तो मेरे को लग रहा है कि इंडिया अच्छा करेगी, क्योंकि दुबई जहाँ हो रहा मैच काफ़ी स्लो पिच है, तो अभी पाकिस्तान वहाँ तो मैच खेली नहीं है, इंडिया वहाँ रिसेंटली IPL खेला है। इंडिया को बेनिफिट मिलेगा दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, आज बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। अच्छा, आप लोगों में जो है आप लोग प्लेयर हैं तो ये बताइए कि मौसम ठंडी से गर्मी की तरफ, गर्मी से ठंडी की तरफ बदल रहा है, ओस भी गिरेगी क्योंकि मैच जो है वो शाम को 7:30 से शुरू होगा, तो ऐसे में जो टीम बाद में फील्डिंग करेगी उसको किस किस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल सकती है? क्योंकि सर देखिए बॉल पे ड्यू ज़्यादा ग्राउंड पर रहेगा तो बॉल मतलब हाथ फिसलेगी, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इंडिया पहले अगर बॉलिंग करेगी तो फायदे में रहेगी। इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो फायदे में। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? क्रिस्टीना सिंह। क्रिस्टीना जी, कितना ज़्यादा उत्साह है आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है T20 वर्ल्ड कप है? बहुत ज़्यादा। तो इस बार क्या लगता है कि वर्ल्ड कप किसके हिस्से में आएगा, इंडिया के हिस्से में आएगा और किसी टीम के? इंडिया। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली।
जी बिल्कुल, ये तमाम युवा थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो है काफी ज्यादा उत्साह है और जो है एमएस धोनी मेंटोर हैं, तो जो है काफी ज्यादा टीम को जो है मोटिवेट करेंगे और तो उससे जो वर्ल्ड कप है वो इस बार इंडिया ही जीतेगी। जी अश्विनी, जिस तरह से हमारे साथ इस वक्त युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, सभी आज के मैच को लेकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में उनसे पूछिए कि जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका आइडियल कौन है इस मैच में और आज वो किस पर उनकी निगाहें टिकने वाली है। जी बिल्कुल, बात करते हैं, आप लोग लगातार जो है क्रिकेट मैचेस खेलते हैं और अभी भी आप ग्राउंड से ही आ रहे हैं, तो आपका आइडियल कौन है और इस जो मैच होने वाला है T20 वर्ल्ड कप उसमें वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा है? जी MS धोनी है, मेंटोर की तरह से हैं उनकी, जैसे मैं सोचता हूँ कि बस क्षमता रखूँ कि आगे सूझबूझ से खेलूँ और सबके साथ। MS धोनी आपके आइडियल हैं, MS धोनी की तरह बनना चाहते हैं? जी सर जी। अभी और भी लोग कुछ बात कर रहे हैं, आपका आइडियल कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली जी, विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं, इस टीम को लीड कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा बेनिफिट होगा इंडिया को, क्योंकि विराट कोहली का काफी ज्यादा जो है अनुभव रहा है और कप्तानी भी कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा इंडिया को बेनिफिट मिलेगा? पहली बात तो है, विराट कोहली एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, फॉर्म में भी चल रहे हैं और आज पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा स्कोर करने वाले हैं और पाकिस्तान आज हारेगा और आज उनकी कप्तानी अच्छी, मतलब की जो अच्छा पाकिस्तान की बात है, बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, बाबर आजम लीड कर रहे हैं इस पूरी टीम को, तो वो भी काफी अच्छे प्लेयर माने जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो कितना ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? रिकॉर्ड तो उनका भी अच्छा, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारा आमना सामना 6 बार हुआ, 6 बार विराट की टीम भारी पड़ी, हमेशा इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमेशा भारी पड़ी है और ये रिकॉर्ड चलता रहेगा, आज भी इंडिया भारी पड़ेगी पाकिस्तान पे। और भी लोग से बात करते हैं, आपका आइडियल कौन है? MS धोनी, वैसे तो मेरे 3 प्लेयर हैं आइडियल, MS धोनी और रोहित शर्मा और UV युवराज सिंह। अच्छा, अगर बात की जाए आज के T20 वर्ल्ड कप है, तो कितना ज़्यादा जो है ये मैच टफ होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर हैं और अपने अपने उसमें माहिर हैं, तो कितना ज़्यादा ये मैच टफ हो सकता है? ये हो सकता है, आप बताइए कितना ज़्यादा टफ हो सकता है? टफ तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और हमेशा मज़ा तो आता है, आप लोगों को पता है, वैसे भी जब इंडिया जीतती है तो पाकिस्तान में तो टीवी टूटना ही टूटना है, तो पाकिस्तान का इस बार टीवी फिर टूटेगा और इंडिया जीतेगा, जरूर टूटेगा सर। और भी लोगों से बात करते हैं, आपका आइडल कौन है? मेरा हाँ। मेरा आइडल वो KL राहुल। अच्छा, इस बार मैच में कितना ज्यादा उत्साह है युवाओं के अंदर और क्या कुछ इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लोग सुबह से टीवी खोल के बैठे हुए हैं मैंने देखा, और जो है अभी 7:30 बजे मैच शुरू होगा, तो ऐसे में लोगों के अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में उत्साह तो बहुत है, मतलब मैच तो मैच की तरह होता है, पर प्लेयर्स से ज्यादा मतलब जनता में मतलब उत्साह ज्यादा है, मतलब जनता ये बैटल देखना चाहती है बहुत ज्यादा, मतलब मिस करती है, हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मैच का। तो अश्विनी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी युवा खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बातें साझा करने के लिए। तो हम जिस तरह से अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ बहुत सारे युवा खिलाड़ी भी जुड़े हुए थे, सभी का इस वक्त कहना है कि आज पाकिस्तान फिर से पिटेगा। जो कहावत है कि पाकिस्तान टीवी तोड़ने में माहिर है, तो आज फिर से पाकिस्तान अपने टीवियों को बचा कर रख ले, क्योंकि टीवी आज फिर से टूटने वाले हैं। जो भारतीय अब खिलाड़ी हैं वो तैयारी पूरी कर चुके हैं और एक बड़े मार्जिन से आज पाकिस्तान को पछाड़ते हुए करारी हार दिलाएंगे और इसी पर हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। तो अरविंद जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहती हूँ, जिस तरह से बच्चों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है, हर भारतवासी में इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये जानना भी अहम हो जाता है कि किन प्लेयर्स पर आज हमारी निगाह टिकने वाली है, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका फॉर्म इस वक्त काफी अच्छा चल रहा है और आज उनसे हम एक्सपेक्टेशंस उनसे हाई रख सकते हैं। जहां तक भारत का सवाल है जी, राहुल जबरदस्त फॉर्म में थे, IPL में अच्छा उन्होंने करके दिया है और करीब करीब 500 रन बनाए हैं। विराट कोहली की फॉर्म वैसे ही है, रोहित शर्मा वैसे ही खेल रहे हैं जी। और क्या नाम आपके, सूर्य कुमार यादव बहुत बढ़िया हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी अब फॉर्म में हैं, जो अंदर जो प्लेइंग 11 में रहेंगे वो भी फॉर्म में है। और जहाँ तक सवाल है भारत का और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, तो भारत का अनुभव T20 में पाकिस्तान से ज़बरदस्त है और इसका फ़ायदा भारत को मिलेगा और उम्मीद यही करता हूं कि भारत लगभग मैच ये जीत जाएगा, अगर वो टॉस अगर जीता तो जी। अभिषेक जी, हम फॉर्म की बात कर रहे हैं,
तो अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो हार्दिक पांड्या को जगह दी गई है। वही अगर हार्दिक पांड्या के फॉर्म की बात करें तो आईपीएल में जिस तरीके के उनके मैच देखने को मिले थे, उनका जो फॉर्म है वो सेट नहीं हो पा रहा था। कई मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो कई में उन्होंने निराशा भी हम लोग को देखने को मिली। ऐसे में हार्दिक पांड्या का आज क्या मैच पे रुख देखने को मिलेगा? जैसा कि बात है हार्दिक पांड्या की जी, तो हार्दिक पांड्या को पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं कि बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है और बहुत अच्छे अच्छे हिट लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसा उनका आईपीएल कैसा गया कैसा नहीं गया, वो वहीं पर उसको छोड़ दे बातें। अब उनका अपने अपने क्या बोलते हैं अपने रेंज में खेले, उनको लगता है कि कैसे खेलना उस रेंज को बना के खेले और अपने अच्छे परफॉर्मेंस को जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको याद करके खेले। तो मुझे लगता है कि आज जो है कि हार्दिक पांड्या की तरफ से एक अच्छा संकेत मिलने वाला है और बहुत अच्छा भी खेलेंगे। जाहिर सी बात है कि वो बैटिंग भी अच्छा करते हैं, फील्डिंग भी अच्छा करते हैं और आके भारत के लिए पाँचवा बॉलर छठे बॉलर के रूप में भी योगदान दे सकते हैं। जी अरविंद जी, जिस तरह से आज का मैच अहम होने वाला है, धोनी हमारी टीम में नहीं है पर वो मेंटोर के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो क्या लगता है कि उनके जो मेंटोरशिप होने वाली है, जिस तरीके का ज्ञान आज वो इंडियन टीम को देने वाले हैं, ऐसे में जो उनका रुख पहले के मैचों में देखने को मिलता था, जो रणनीति वो सेट करते थे, आज उसी रणनीति के तहत मैच खेला जाएगा या फिर कुछ उनकी रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है? ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के टीम में कप्तानी में खेल चुके हैं जी, तो महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं और महेंद्र सिंह धोनी उन खिलाड़ियों को भी जानते हैं। रही बात धोनी जी का सवाल, तो बाहर बैठकर को जो उनके पास अनुभव तजुर्बा है वो तो टीम को दे ही रहे हैं और टीम में जुड़े हुए लगभग 5-6 दिन हो गया है जी। तो हमें लग रहा है इसका महेंद्र सिंह धोनी का टीम के साथ होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी रहा खासकर T20 फॉर्मेट में और चेन्नई सुपर किंग के सफल कप्तानों में से एक रहे हैं और भारत के ही सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। लगभग 3-3 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया देश के लिए, तो महेंद्र सिंह धोनी में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और उनका टीम के साथ जुड़े रहना ये अपने आप में एक करिश्मा है और हमें उम्मीद है कि भारत एक करिश्मा करेगा और भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। और जहाँ तक सवाल है कोहली साहब, एक भारत के लिए एक भारत को एक वर्ल्ड कप जिता कर T20 फॉर्मेट से संन्यास लेंगे, यही उम्मीद मैं करता हूँ जी। अभिषेक जी, अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त फॉर्म की और इन सब चीजों की, तो ऐसे में ये भी अहम हो जाता है कि जो हमारे कैप्टन है, चाहे वो बाबर आजम हो या फिर हमारे कैप्टन हो विराट कोहली, दोनों ही बहुत अच्छी रैंकिंग पर इस वक्त चल रहे हैं। बाबर आजम T20 रैंकिंग में थोड़ा सा आगे है पर कोई बात नहीं, आज हम उनको भी पछाड़ देंगे। ऐसे में दोनों ही कप्तान जो है अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि हाई स्कोरिंग दोनों में से किसके बीच रह सकता है? जैसा कि आपने बताया कि रैंकिंग की बात, तो रैंकिंग मुझे लगता है कि ऐसे हाई वोल्टेज मैचों में कोई मायने नहीं रखता है। उस आज के दिन अगर विराट कोहली अगर अपना पूरा 110% देता है तो जाहिर सी बात है कि हाई वोल्टेज मैच में विराट कोहली हमेशा अच्छा रन बनाया है, तो मुझे लगता है आज विराट कोहली रन करेगा जी। तो अरविंद जी, अगर हम मैच की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम 819 रन से इस वक्त लीड कर रहे हैं और विराट कोहली 717 रन इस वक्त उनके हैं, तो क्या लगता है कि कौन ऐसा प्लेयर है जो अपना स्कोर आज बढ़ाकर लेके आगे जाए? विराट कोहली और बाबर आजम से तो कोई तुलना ही नहीं है। विराट कोहली के पास कल लगभग 700 हो चुके हैं इंटरनेशनल। तो रही बात बाबर आजम जैसे भारत में उससे अच्छा बैट्समैन विराट कोहली है, ऋषभ पंत है और विराट कोहली की तो बात ही नहीं करनी है। रही बैटिंग दृष्टिकोण से तो भारत का पलड़ा पाकिस्तान से बहुत ही बेहतर है जी। अभिषेक जी, जिस तरह से भारत में इस वक्त जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं वो एज अ मेंटोर टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या लगता है अभी उन्होंने संन्यास लिया है और पिछले मैचों तक वो खेल रहे थे, वही अगले ही मैच में जहां पर हमें उनकी कमी महसूस होने वाली थी वो मेंटोर के तौर पर वापस आ गए, तो क्या लगता है कि जो हमारे चयनकर्ता जो टीम है उनको महेंद्र सिंह धोनी पर ज्यादा विश्वास है, उन्हें कोच पर इतना विश्वास नहीं है कि उन्होंने एज अ मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी को चयनित किया है? धोनी की बात रही तो वर्ल्ड चैंपियन है धोनी, सभी लोग मानते हैं और पूरा वर्ल्ड जानता है, तो उसका इंडिया के साथ जुड़ना, उनका इंडिया के साथ जुड़ना इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं और पूरे जो टीम स्क्वाड है उसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर युवा खिलाड़ी है, सभी लोग जानते हैं कि युवा खिलाड़ी के लिए धोनी ने क्या किया कैसा किया, तो मुझे लगता है कि धोनी का टीम के साथ जुड़ना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही
अच्छा निर्णय था धोनी का और जयसा और सौरभ गांगुली जी का, बहुत ही अच्छा निर्णय था। और सबसे बड़ी बात कि अभी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया और कैसे बनाया है सभी लोग जानते हैं कि जहां पे आप पिछला आईपीएल देखेंगे तो सातवें पायदान पर फिनिश कर रहा था और आज आईपीएल को टॉप पोजिशन पर चेन्नई सुपर किंग्स को ला के फिनिश किया है। तो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग और ऐसा कॉन्फिडेंस और कह सकते हैं एक्सपीरियंस इंडिया के लिए काफ़ी काम आने वाला है, तो मुझे तो लगता है कि मेंटर के तौर पे रहना बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो नितिन बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप इस वक्त मौजूद है, कई सारे युवा खिलाड़ी मैं आपके साथ में देख पा रही हूँ, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि युवा खिलाड़ियों में क्या कुछ जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दिवाली कुछ दिन बाद है, लेकिन अगर आज भारत जीत जाता है तो दिवाली आज ही होगी, पूरे देश में होगी और पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि हम भारतीय पूरी दुनिया में बसे हुए हैं और ये दिवाली हम आज देखेंगे क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। और सबसे अहम बात यह है कि आज से अभी से, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में टीवी पर बैठ चुके हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिर इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी, भारी कौन किस पर पड़ेगा, बाबर आजम जैसा कौन, क्या क्या होता है बाबर आजम, बाबर आजम की शक्ल विराट कोहली से मिलती होगी लेकिन हमारे बाकी के जो खिलाड़ी हैं ना वो पाकिस्तानियों के छक्के छोड़ा देंगे। तो आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी मौजूद हैं क्योंकि T20 मैच है, T20 मैच में युवा खिलाड़ी होते हैं और युवा खिलाड़ी अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है आज का ये जो मैच है ये मैच नहीं होगा, ये एक जंग होगी जिस जंग को हम भारतीय जीतेंगे। इन लोगों से जुड़ते हैं, आप लोग खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, खिलाड़ियों से आप लोगों का रूबरू होना भी लाजमी है क्योंकि सपने में खिलाड़ी तो जरूर आते होंगे, विराट कोहली भी आता होगा, रोहित शर्मा भी आता होगा और कभी कभी लगता होगा कि भैया वो रन मार रहा है तो मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ या फिर मैं रनर पे हूँ। सबसे प्यारा खिलाड़ी कौन है आज की टीम में, कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीतेगी। कौन प्यारा खिलाड़ी है, सबसे मेहनती खिलाड़ी कौन लगता है और क्या लगता है कि आज का मैच कौन पलटने वाला है? आज के मैच में सबसे अच्छा विराट कोहली है। आपको कौन पसंद है? रोहित शर्मा। लो, इनको तो रोहित शर्मा पसंद है। अब रोहित शर्मा ज्यादा रन मार देगा तो विराट कोहली तो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। एक मैच में मारने से कोई विराट कोहली नहीं बन जाएगा। विराट कोहली मार पाएंगे कि रोहित शर्मा? रोहित शर्मा मारेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान वालों का क्या है भाई, ये बाबर आजम कहते हैं कि विराट कोहली से उनकी शक्ल मिलती है तो हम तो मैच जीत जाएंगे, सब कुछ हमारा है। और इसके पहले कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दे दिया था कि भारत वारत क्या है, भारत के खिलाड़ी कुछ नहीं हमारे सामने, होगा ऐसा? सर, इतना सब तो बोल जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते विराट कोहली ना उन सबका बाप है। अच्छा, यस सर। तो आज मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। कौवा कभी कोयल नहीं बन सकता। क्या चीज कौवा कभी कोयल नहीं बन सकता। कौन है कौवा? बाबर आजम। बाबर आजम कौवा है, तो देख लीजिए बाबर आजम कौवा है। अनुष्का सुनिए, क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान के कप्तान को, बाबर आजम कौवा है, कौवा, और कौवा कभी कोयल नहीं बन सकता, कोयल नहीं बन सकता। और लोगों से जुड़ते हैं, कौन खिलाड़ी पसंद है? विराट कोहली। विराट कोहली क्या करेंगे आज? विराट कोहली आज कितने रन बनाएंगे? 70 प्लस बनाएंगे। yes, पक्का? यस। T20 मैच के जो इनके अभ्यास मैच हुए थे, वार्म अप मैच, उसमें तो कुछ ज्यादा कमाल नहीं हो पाया था, आज लगेगा कुछ होएगा? या आज विराट कोहली रन बनाएगा? नहीं होएगा, क्यों? अभी चार खिलाड़ी जो युवा हैं वो करेंगे। अच्छा, कौन युवा, किसकी बात कर रहे हो? किशन सूर्य कुमार तो पंत और रोहित शर्मा। अरे तो विराट कोहली पुराना खिलाड़ी है, टीम का कप्तान है। वे फॉर्म में नहीं, वो फॉर्म में सूर्य कुमार यादव। ये कैसे बता रहे कि वो खेलेगा? पुराना था, अब नहीं आया। विराट कोहली आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन करके आ रहा है सेकंड राउंड में और आज भी रन बनाएगा। अच्छा, पक्का? भैया रन बनाते तो दिखता नहीं जाता मैच में। देखो सूर्य कुमार, चलो हम तो ये चाहते हैं कि कुल मिला के कोई भी रन बनाए। हाँ, क्या कह रहे हो? कहते हैं कि अरे बोलोगे? चलिए, इनकी इन स्विंगर जो है वो खराब हो गई है, इनकी इन स्विंगर चल नहीं रही है। जी, तो इस वक्त हमारे साथ नितिन जुड़े हुए थे, उनके साथ तमाम युवा खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने मन की मंशा तो बता दी है। तो कोई प्लेयर कह रहा है कि आज विराट कोहली बहुत अच्छा खेलेगा, तो कोई कह रहा है कि आज केएल राहुल अच्छा खेलेंगे, तो कोई दूसरे प्लेयर के बारे में बोल रहा है, लेकिन कोई भी प्लेयर ये नहीं बोल रहा है कि आज पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि सभी इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि आज तो भैया भारत जीतेगा। और नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से भैया इस चीज में तो असमंजस भरा हुआ है कि विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं या फिर रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं,
लेकिन सबने एक बात बोल दिया कि पाकिस्तान तो नहीं जीत रहा, तो उनसे पूछिए क्या लगता है कि आज किस भारी रन चेज को मतलब कह सकते हैं कि कितने गैप से आज भारत जीतेगा और पाकिस्तान कितने टीवी तोड़ेगा। देखिए अगर कहा जाए कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो शाम को पता चल जाएगा, लेकिन अभी से हम लोगों के दिल में ये बात जरूर है कि भारत ही जीतेगा, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे सबसे ऊपर हमारे माथे पर हमेशा हमारा तिरंगा ही दिखता है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि भारत ही जीतेगा और उम्मीद को हम कहीं ना कहीं बाउंड्री के पार भी पहुंचाएंगे और भारत जीत के आएगा। युवा खिलाड़ियों की ये टीम है, ऑलराउंडर से भरे हुए हैं, जो बॉलर्स हैं हमारे पास, चाहे हम बुमराह की बात कर लें, हार्दिक पांड्या की बात कर लें, इसके अलावा युवा खिलाड़ी जो सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, ऋषभ पंत को मत भूलिएगा किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी थी, इंग्लैंड में जिस तरह से उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके भारत को जीत दिलवाई थी। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये युवा हैं, युवाओं के अंदर युवा खून होता है और वो ये जानते हैं कि T20 में 20 ओवर में कैसे 200 का आंकड़ा, कैसे 180 का आंकड़ा, कैसे 160 का आंकड़ा पार करना है। उनको ये पता है कि कितनी तेजी से मारेंगे तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी। आईपीएल आपने देखा है, आईपीएल में भारत का प्रदर्शन ऐसा रहा है कि ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है पूरे अन्य जो क्रिकेट की टीम्स हैं उनके अन्य जो देश के खिलाड़ी हैं वो भारत में आकर ना खेलते हो। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं आज फिर से कमाल करेंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी युवाओं की फौज है, उन्होंने बीते दिनों अच्छा खेल खेला है, अच्छे मैचेस खेले हैं, लेकिन भारत की तुलना में पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा ही फीके रहे हैं। 8 मैचेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान के अब तक T20 में, 6 बार भारत ने जीत दर्ज की है, 1 मैच टाई रहा है और 1 बार खाली पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान हर साल मौका 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 करता है लेकिन पाकिस्तान को मौका कभी नहीं मिलता है। इन लोगों से पूछते हैं ये जो आज मौका मौका होता था सपने में मिलेगा मौका पर सपने में मिलेगा, आज टीवी में टूटेगी पाकिस्तान, बिल्कुल जरूर तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान में तैयारी हो चुकी है। कौन खिलाड़ी पसंद है? मुझे ऋषभ पंत बहुत पसंद है। क्यों, विकेट कीपरिंग करती हैं आप? नहीं, वो लेफ्टी बैट्समैन है और मैं भी लेफ्टी खेलती हूं। धोनी किसको किसको पसंद है? जी भैया मुझे सभी को भैया धोनी, देखिए धोनी सभी को पसंद है और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हमें पहला वर्ल्ड कप T20 का जितवाया था, जिन्होंने हमें 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवाया था, आज वो टीम इंडिया के मेंटोर बन के आए हैं। धोनी के लिए कहा जाता है कि वो बड़े कूल माइंड रहते हैं और विराट कोहली के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा एग्रेशन में रहते हैं। तो जब ये एग्रेशन और कूल माइंड मिलेगा तो जो बैलेंस बनेगा उस बैलेंस से कहीं ना कहीं भारतीय टीम को बहुत फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इनसे पूछते हैं। भैया ये धोनी का जो शांत स्वभाव है और विराट कोहली का जो गुस्सा है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? सर वो तो आपको ही पता, हमको ही पता पाकिस्तान का क्या होगा। क्या होगा? हारेगी पाकिस्तान सर। पक्का? पक्का। क्या लगता है? हारेगी पाकिस्तान। अच्छा किसकी गेंदबाजी आज बढ़िया रहेगी, कौन उड़ाने वाला है स्टंप्स को? बुमराह। बुमराह क्यों? क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी करता है। अच्छा यॉर्कर काम आएगी आज उसकी? आएगी। और ये पाकिस्तान में जो बॉलर वॉलर हैं कई सारे हैं, उन्होंने नए नए लड़कों को रखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि कोई टिकने वाला नहीं है। नहीं टिकेगा कोई। क्या भारत वाले नहीं टिकेंगे, पाकिस्तान वाले? पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले नहीं टिकेंगे? नहीं। तो देखिए साफ तौर पर ये जो युवा खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं जब मैदान पर रहते हैं तो ये अपनी मंशा बता देते हैं कि हमें जी जान से खेलना है, और ये भी जानते हैं कि आज जो खिलाड़ी भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दुबई में, जो मैदान पर उतरेंगे, उनके अंदर भी कुछ इसी तरह का जज्बा है। वो ये जानते हैं कि भारत के खिलाड़ी अगर जी जान से खेलेंगे तो आज का ये मैच हमारा होगा, क्योंकि आज ही से असली लड़ाई भारत की शुरू होती है T20 वर्ल्ड कप में। पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उसके बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन अन्य T20 मैचेस में नहीं रहा है, और कारण यही बताया जाता रहा है कि IPL की वजह से जो प्रदर्शन है खिलाड़ियों का वो काफी वीक हुआ है। लेकिन इस बार कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, टीम में बदलाव हुए हैं, नए खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया गया है। हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारे पास रोहित शर्मा है जो कहीं ना कहीं कप्तानी निभा चुके हैं भारतीय टीम की, हमारे साथ विराट कोहली है जो ऑलरेडी कप्तान है, इसके अलावा भी कई एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जो युवा हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या जैसा नाम शामिल है, जसप्रीत बुमराह जैसा नाम शामिल है, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा मेंटोर है महेंद्र सिंह धोनी। तो ये जो टीम है, ये टीम कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत मजबूत है और उम्मीद जरूर जताइए कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप हमारा होगा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने का और इन सभी युवा खिलाड़ियों से हमारी बातचीत कराने का। हम वापस अपनी चर्चा पर आते हैं, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा युवाओं में जोश भरपूर है, लेकिन जोश से होश नहीं खोने चाहिए। तो मैच पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैच है, अगर हम उस पर प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश करें तो सिर्फ जोश से हम मैच नहीं जीत सकते।
और यही जोश की जो बात है, अग्रेशन की जो बात हो रही थी, ये विराट कोहली के लिए सबसे ज्यादा होती है कि वो काफी अग्रेसिव रहे हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्ड की बात देख लें तो आरसीबी के कैप्टन रहे विराट कोहली, जहां पर उन्हें करारी हार मिली थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो कप्तानी विराट कोहली की आरसीबी में रही, क्या उसका असर हमें इस मैच पर भी देखने को मिल सकता है, या फिर जो मेंटोर हमारे महेंद्र सिंह धोनी है वो कोई कमाल कर जाएंगे? अरविंद जी, जहां तक सवाल मैच का है जी और कोहली साहब का है, तो कोहली जी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और जितने भी हमारे इंडियन टीम में हैं वो सभी लगभग अनुभवी बैट्समैन हैं। ऋषभ पंत भी लगभग 60-70 T20 मैचेस खेल चुके हैं। तो मैच का सवाल है या ये वर्ल्ड कप का सवाल है? भारत का, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी है, भारी रहेगा। और जहाँ तक परफॉर्मेंस के सवाल है, पाकिस्तान के अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत लंबा तजुर्बा नहीं है T20 का। अभी हाल में परफॉर्मेंस उनको अच्छी रही है, लेकिन भारत की परफॉर्मेंस हमेशा हर कंट्री के खिलाफ अच्छी रही है। और जहाँ तक सर अभ्यास के मैच का सवाल है, भारत हमेशा 2-3 विकेट पर करीब 150-200 रन बना रहा है। तो जहाँ तक सवाल ये वर्ल्ड कप का है, भारत हर हालत में ये वर्ल्ड कप जीतेगा, और अगर परफॉर्मेंस सभी खिलाड़ियों ने 100% दिया तो। जी अभिषेक जी, प्लेइंग 11 की बात करें, पाकिस्तान ने अपनी टीम को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय टीम ने अपनी टीम डिक्लेयर नहीं की है। उन्होंने कहा है कि टॉस से पहले वो अपनी टीम को डिक्लेयर कर देंगे। तो वहीं अगर हम बात करें तो चयन को लेकर भी इस वक्त काफी प्लेयर्स को लेकर सरदर्द बना हुआ है। अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर, इनको लेकर इस वक्त असमंजस है। तो क्या लगता है कि जो ये जो असमंजस की स्थिति बन रही है, इसी को लेकर इतना टीम में लेट कर रखा है, और ऐसा क्या कारण है कि इन प्लेयर्स के बीच में अभी इंडियन टीम इतनी ज्यादा उलझी हुई है? जैसा कि टीम प्लेइंग 11 की बात है, तो प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जैसे आपने नाम लिया, तो प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव तो बिल्कुल सेट बैठते हैं, उनको कहीं बाहर तो आप कर ही नहीं सकते हैं। और रही बात ईशान किशन की, ईशान किशन एज ए ओपनर लास्ट मुंबई के लिए खेले, काफ़ी अच्छा खेले, और अभी अभ्यास मैच में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला। तो थोड़ी सी इंडिया के लिए दिक्कत की बात यही हो सकती है कि एज ए ओपनर किसको ले के जाए टीम के साथ खिलाए प्लेइंग 11 में। और रही बात शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर थोड़े से महंगे खिलाड़ी पड़ते हैं, रन खाते हैं, बॉल डालते हैं, तो बट वो है कि टाइम पर कहाँ विकेट निकालना है, कब क्या करना है, वो अपने माइंड सेट से वो विकेट निकाल के देते हैं। तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को एक आप कहते हैं कि गेम चेंजर के रूप से देख सकते हैं अगर प्लेइंग 11 में रखते हैं तो। जी अरविंद जी, बॉलर्स की अगर हम बात करें, इंडियन टीम में जो हमारे बॉलर्स हैं, तो ऐसे में जो भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, दोनों की ही अपनी अपनी भागीदारी भारतीय टीम में रहेगी, तो क्या लगता है कि जो डेथ ओवर्स हैं उसमें किसको जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भारतीय कप्तान है किस पर विश्वास जता सकते हैं? बुमराह। और जहाँ तक सवाल है क्या ना भुवनेश्वर कुमार का, तो वो एक स्विंग बॉलर है जी जी, और एक वरुण चक्रवर्ती एक मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अभी उनके बॉल को फेस करा नहीं है। अच्छा। और जहाँ तक सवाल है, और तो अश्विन को भी खिलाना चाहिए। शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या से कम उनको आका नहीं जाना चाहिए। उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। वो टेस्ट मैचों में अभी जो इंग्लैंड में हुआ है उसमें उनका एवरेज 90 के आसपास रहा है। मुझे लगता है कि तीसरे बॉलर के रूप में अगर फास्ट बॉलर का किसी को खिलाना है, तो उसमें शार्दुल ठाकुर को बहुत ही ठीक रहेगा, क्योंकि बैट्स भी अच्छा कर लेंगे, बॉलिंग से भी अच्छे करते हैं, और उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग साइड भी पाकिस्तान से बेहतर है भारत के, क्योंकि ऑलराउंडर हमारे जितने भी अच्छे अच्छे, अश्विन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, शार्दुल ठाकुर भी अच्छी बैट कर लेते हैं, बुमराह भी आजकल रन बना रहे हैं टेस्ट मैचों में, इंग्लैंड में भी रन बना के आए हैं। तो मुझे मिला करके हमारे पास ऑलराउंडर की कमी नहीं है, और पर पाकिस्तान से हमारा बेहतर है बॉलिंग से, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जी अभिषेक जी, हमने बात कर ली कि भारत का पलड़ा इस बार भारी रहने वाला है। वार्म अप मैचेस की अगर बात करें, तो वार्म अप मैच में जो पाकिस्तान का मैच हुआ वो पिछली बार की विजेता टीम वेस्टइंडीज से हुआ, लेकिन उन्होंने 130 रन उन्होंने चेस करे और 15 ही ओवर में उन्होंने जीत हासिल कर ली। ऐसे में हम पाकिस्तान टीम को भी कम नहीं आ सकते, तो क्या कुछ लगता है कि इसका भी कुछ असर देखने को मिल सकता है? नहीं, इसका कोई असर नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया जैसे मैंने पहले भी बोला कि 95% जो दबाव है वो पाकिस्तान पर है, अब वो गेम को लेके हो या फिर जैसा भी हो, पिछले रिजल्ट को लेके हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत बेहतर टीम है, ओपनर काफ़ी बेहतर है, मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग स्ट्रांग है, फिंगर स्पिनर है, आप चक्रवर्ती को खिला सकते हैं। जिस शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान फिंगर स्पिनर में फंसता है और
चक्रवर्ती को खिलाना एक प्लस पॉइंट हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे फर्क पड़ने वाला है। जी, तो जिस तरह से इस वक्त मैच जो है वो काफी क्रूशियल होने वाला है, दोनों ही टीमों पर इस वक्त प्रेशर है, खेलने का प्रेशर भी है, साथ में अच्छा परफॉर्म करने का भी प्रेशर है, क्योंकि इस मैच को लेकर कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनकी उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे में दोनों ही टीमों का अगर किसी भी सूरत में वो हार हासिल करती है तो उनके लिए काफी ज्यादा भारी होने वाला है। तो ऐसे में जब मैच आपके आप खेल रहे हो, जब आप पे इतना ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर हो, जहां फैंस को आपसे इस लेवल की उम्मीदें हो, तो ऐसे में जो आपका खेलने का तरीका है उसमें क्या कुछ बदलाव आ सकता है? अरविंद जी, रही बात है मैच, खिलाड़ी हम पे और आप पे प्रेशर है, दर्शकों पे प्रेशर होता है, वो उस खिलाड़ी ये सब प्रेशर बहुत दिनों से हैंडल कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात, इस सारा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होता है, अगर पाकिस्तान की टीम हारती है तो पाकिस्तानी है वो अपनी टीम के साथ उनका बुरा बर्ताव होता है, तो भारतीयों के बाद भारतीय ऐसा नहीं करते हैं, भारतीय अगर भारत अगर मैच हारता भी है तो भारत उसको एक खेल के रूप में हमारे दर्शक लेते हैं। तो रही जहाँ तक आज का सवाल है, तो भारत फिर भी बेटर टीम है पाकिस्तान से, और प्रेशर भी नहीं रहेगा, और भारत के जो मैंने अभी सौरभ गांगुली का परसों बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों पर कोई दबाव नहीं होता है, पब्लिक पर दबाव होता है। जी, हम लोग खेल को खेल के रूप में लेते हैं। जी अभिषेक जी, पाकिस्तान ने अभी कुछ वक्त पहले बयान जारी किया जहां उन्होंने अपनी टीम को डिक्लेयर किया, साथ में उन्होंने कहा कि जिस दिन 24 अक्टूबर को कुछ बड़ा होने वाला है। उनके बड़े से क्या मतलब है, कि वो उनकी बड़ी हार होने वाली है या कुछ बहुत अच्छा ही वो परफॉर्म करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक जितनी टीवियां उनकी टूटी है, थोड़ा सा ज्यादा उसमें इजाफा आएगा टीवी के टूटने में। और रही बात की जो अभी हारे हैं, थोड़े बहुत रन से हारते थे, उसमें भी काफी इजाफा आने वाला है, काफी मात्रा में हारने वाले हैं ये लोग, जो रन का चाहे चेज करने में इंडिया हो तो काफी पहले जीत जाएगी, जैसा भी हो सब मिला के कुछ बड़ा होने वाला है, बट इंडिया के लिए काफी फायदा होने वाला है। जी अरविंद जी, सातवें नंबर का जो प्लेयर है उसको लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल आ रहा है संभावित प्लेइंग 11 में, वैसे हार्दिक पांड्या का नाम है, लेकिन फिर भी शार्दुल ठाकुर को लेकर भी इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो क्या लगता है आपको? जिस तरीके से अगर हम पुराना फॉर्म देख लें, तो अगर आईपीएल के में देख अगर हम देखते हुए चलते हैं, तो क्या लगता है शार्दुल ठाकुर ज्यादा बेहतर प्लेयर रहेंगे या हार्दिक पांड्या? अगर मेरा अगर दृष्टिकोण से तो मैं शार्दुल ठाकुर की तरफ जाऊंगा। जी, क्योंकि उसकी करंट परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, वो अभी इंग्लैंड टूर में उसने रन बनाया है, बॉलिंग से भी अच्छा करके दिया है। हार्दिक पांड्या अभी पूरी तरह फिट नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुंबई इंडियंस के कोच जयवर्धन ने बोला था कि अभी बॉलिंग वो कर नहीं सकते, तो मुझे पांच छठे बॉलर की जरूरत है, तो छठे बॉलर के रूप में एक अच्छा बैट से रन बनाने वाला प्लेयर वो बॉलिंग में कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर आज खिलाने का है किसी को तो शार्दुल ठाकुर के को खिलाना चाहिए हार्दिक पांड्या के ऊपर। जी, तो सीधे इस वक्त हम आपको चर्चा के बीच में ले चलते हैं हमारे न्यूज रूम में, जहाँ न्यूज रूम में भी इस वक्त मैच को लेकर जो है ना वो चर्चाएं गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फैंस में भारी उत्साह, वही न्यूज रूम से भी एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए, तो नितिन क्या नजारा इस वक्त न्यूज रूम से देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की टीम है आज मैच में लगी हुई है और हम सब उस मैच को देखने के लिए तैयार हैं, उसी तरह की एक टीम हमारे चैनल की भी है जो लगातार खबरों पर काम करती है, लगातार मेहनत करती है, लेकिन आज सुबेरे से ये सब का मन जो है नहीं लग रहा है, ये सुबेरे से कहना है जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि 7:30 बजे से इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है और हमें मैच देखने के लिए अपने घर जाना है, तो ये लोग हैं वो। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर मैच का क्या हालात है, कितना रोमांच है, क्या तैयारियां हैं, कौन पूछेगा और क्या दिवाली के पटाखे आज दगेंगे कि आने दगेंगे। हाँ मैडम, ये बताइए, आज सुबह से आप कह रही हमें घर जल्दी जाना है, आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, कौन खिलाड़ी पसंद है, किसको देखना है? धोनी मुझे बहुत पसंद है, और उस खिलाड़ी जैसे इस बार पहली बार ये हो रहा है कि मेंटोर के तौर पर, पहली बार भारत में मेंटोर के तौर पर धोनी को रखा गया है, तो मेरे हिसाब से धोनी की कैप्टेंसी जैसी रही है उस हिसाब से तो इंडिया की मैच जीतनी पक्की है और इंडिया मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। तो धोनी को देखना चाहते हैं लोग क्योंकि धोनी का मेंटोरशिप देखना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि आज भी जब DRS होगा तो विराट कोहली अंपायर को नहीं देखेंगे, विराट कोहली उस स्क्रीन को नहीं देखेंगे जहां पर 10 सेकंड की घड़ी चलती है, विराट कोहली देखेंगे तो अपने मेंटोर को देखेंगे और वो होंगे महेंद्र सिंह धोनी। भाई साहब, कौन खिलाड़ी पसंद है आज, क्या पटाखे उठाके खरीदे हो, दिवाली का पटाखा आज फूटेगा? बिल्कुल बिल्कुल फूटेगा सर, और आज मेरा पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है, जिस तरह से वो फील्ड पे, धोनी पसंद है मैडम को, अरे इसलिए तो धोनी को इस बार मेंटोर बना के रखा है सर। अच्छा। क्योंकि इस बार विराट कोहली रहेगा कप्तान, मतलब धोनी की उम्र हो गई है। हाँ वो होता है, माना धोनी हमारा भी आइडियल प्लेयर है, अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी है, इसलिए नाम दिया गया DRS को, धोनी रिव्यू सिस्टम,
पर इस बार मौका और भी युवाओं खिलाड़ियों को मिलेगा, हमारे विराट को भी मिलेगा। लीजिए मैडम, आपके धोनी को तो सिरे से नकार दिया गया है। जैसा धोनी कैप्टनसी की है, अभी भी कैप ने बोला कि विराट धोनी को देखेंगे, अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो धोनी को देखेंगे। तो विराट उनके अंडर में आते हैं, धोनी के अंडर में आता है। अगर देखा जाए खेल के मामले में तो धोनी सबसे अच्छा खेले, धोनी ने कैप्टनसी अच्छी की है, जो कि खेल में सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई भी डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा कैप्टनसी की मायने रखती है, तभी उनको मेंटोर बनाया। वैसे मेरा मानना है मायने कोई भी रखे, हमें मैच जीतना है, हमें अच्छा खेलना है, और वो हमारे खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं। मैडम आज बड़ा सजधज के आई है जी। कौन खिलाड़ी है आज, किसकी तैयारी है आज? तैयारी तो इंडिया की बेस्ट है और जीतने की तैयारी भी, क्योंकि आज है करवा चौथ और सारे इंडियन क्रिकेटर्स अपने वाइफ को गिफ्ट जरूर देंगे करवा चौथ के दिन मैच जिता के। अच्छा, मतलब करवा चौथ की तैयारी भी इंडियन टीम को करनी पड़ेगी। तो ये हमारे न्यूज रूम के कुछ खिलाड़ी थे जो रोज मैच तो खेलते थे, लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि हमें छुट्टी लेकर के हमें अपने अपने घर जाना है, क्योंकि हमें वहां से मैच देखना है कुछ और। ये एडिटिंग सेक्शन है हमारा, और ये एडिटर्स जो है इनका भी मन आज सवेरे से काम में नहीं लग रहा है। क्यों भाई, घर जाना जल्दी? यस सर, मैच देखने। कौन खिलाड़ी पसंद है और कौन आज अच्छा खेलेगा? सर वैसे तो विराट कोहली पसंद है। अच्छा, कहा जाता है ये जो बाबर आजम है और विराट कोहली, इन दोनों की शक्ल मिलती है, और बाबर आजम ने बीते दिनों बयान दिया था कि इंडिया कोई हमारे सामने नहीं टिकने वाला। सर ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार भी इंडिया जीती थी, इस बार भी इंडिया जीती थी। तो ये रिकॉर्ड भारत का रहा है कि भारत ने बेहतर प्रदर्शन किए हैं, भारत ने लगातार जीत दर्ज की है, और एक ही बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। बेटा कौन पसंद है? सर मुझे विराट कोहली पसंद है। अच्छा, सबको विराट कोहली क्यों पसंद है? और भी खिलाड़ी क्या अकेले मैच खेलेगा क्या वो? नहीं सर, टीम लीडर से चलती है। सर लीडर से चलती है और उसमें पूरी टीम की जरूरत है, तभी क्रिकेट जीतेंगे। तो टीम को जो लीडरशिप है वो मजबूत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करती है, और विराट कोहली बिल्कुल बखूबी उस काम को जानते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से वो भारतीय टीम की कप्तानी करते आए हैं। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी टीम में है, जो खुद कई बार कप्तानी कर चुके हैं भारतीय टीम की। और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, वो नाम जिसके साथ जब हम टीवी पर बैठकर मैच देखते थे और उनके साथ जो टीम हुआ करती थी, उसने हमें दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। तो आज भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज से ये जो रण शुरू होने वाला है, ये जो लड़ाई शुरू होने वाली है, जिसकी हमें एक लंबे अरसे से इंतजार था कि भैया भारत पाकिस्तान का मैच कब होएगा, आज वो दिन है, आज वो तारीख है, आज की शाम दिवाली से ज्यादा पटाखे फूटने की हमें और आपको उम्मीद है, और यही लग भी रहा है कि आज भारत जीतेगा। आज करवा चौथ पर जो हमारे खिलाड़ियों की पत्नियों ने व्रत रखा है, उनको जीत के साथ तोहफा दिया जाएगा, जैसा कि हमारे जो खिलाड़ी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, उन्होंने कहा था। अनुष्का जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज रूम के जो कुछ हालात है वो सब हमें बताने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आप दोनों ने देखा कि न्यूज रूम में भैया इस वक्त जश्न का माहौल है, सभी को जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि आज का मैच कोई भी मिस नहीं करना चाहता। तो वही अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो अगर हम फॉर्म की बात करें, दोनों ही टीमों के फॉर्म की बात करें और इस साल के ही फॉर्म की बात करें, तो आप पाकिस्तान ने इस साल 17 मैच खेले हैं टोटल T20, जिसमें 9 मैचों में उन्होंने जीत दर्ज करी है, 5 मैच वो हारे हैं और 3 मैच वो बेनतीजा रहे। वही अगर हम भारत की बात करें तो उन्होंने इस साल T20 में 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 वो जीते हैं और 4 ही वो हारे हैं। तो फॉर्म वाइज अगर हम देखें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो क्या लगता है अभिषेक जी कि क्या ये जो फॉर्म इस वक्त चल रहा है इसको रिपीट किया जाएगा या फिर इस बार हम पाकिस्तान को मौका नहीं देने वाले? सबसे बड़ी बात है आपने जो बोला कि 9 मैच में उन्होंने कितने 5 मैच जीते हैं, 17 मैचों में 9 मैच जीते हैं, लेकिन वो किसके खिलाफ खेले ये देखिए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और छोटी टीमों के खिलाफ खेले, लेकिन इंडिया की बड़ी टीमों के खिलाफ हो, जो 4 आप जैसा आपने इन्फॉर्म किया वो बड़ी टीमों के खिलाफ जीता है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे टीम के खिलाफ जीतना मैच, मुझे लगता है कि 9 मैच चाहे जीते हो चाहे 10 मैच हो, उससे काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है जी। और इंडिया जीतेगा ऐसा विश्वास है, और अच्छा खेलेंगे, ओपनर अच्छा खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर अच्छा खेलेगा तो बिल्कुल जीतेगा जी। तो हमारे दोनों ही इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट है, उन्होंने साफ कर दिया है कि आज तो मैच भैया भारत ही जीतेगा, चाहे पाकिस्तान कितनी भी तैयारी कर ले, चाहे जो कुछ हो जाए, आज तो भारत के पलड़ा जो है वो भारी होने वाला है। तो आप लोगों से आखिरी कमेंट में जोड़ना चाहती हूँ, सबने अपनी मंशा जाहिर कर दी, हमारे साथ कह सकते हैं युवा खिलाड़ी जुड़े हुए थे, उन्होंने बता दिया उनका फेवरेट प्लेयर कौन है, न्यूज रूम ने भी, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। अरविंद जी, रोहित शर्मा। तो आज आपकी निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी होने वाली है जी। रोहित शर्मा इस फॉर्मेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे विराट कोहली सभी फॉर्मेट का बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन रोहित शर्मा अगर चल गया
तो फिर अकेला पाकिस्तान पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है और खासकर ओपनर के दृष्टिकोण से अगर वो बंदा अगर 15-16 ओवर खेल जाता है तो 80-90 से कम तो देगा नहीं, तो टारगेट कम से कम 180-190 जाता है, फिर पाकिस्तान के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान चेसेबल टीम नहीं है, चेस नहीं कर पाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक सवाल है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इंडियन है, मैं तो ये चाहूँगा कि सभी परफॉर्मेंस अच्छा दे और भारत आज मैच हर हालत में जीते, क्योंकि हर भारतीय का ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से हर हालत में मैच जीतना चाहिए। ये हर भारतीय उम्मीद लगाए बैठा, चाहे मैं हूँ, चाहे हर भारतीय हो, चाहे पाकिस्तान क्या नाम इंडियन क्रिकेटर हो, चाहे नॉन क्रिकेटर है, सभी की उम्मीद यही है। जी अभिषेक जी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर केएल राहुल जी है, लेकिन आज मैं चाहूँगा केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा तीनों अपने पूरे रंग में दिखे। जैसा कि इन लोग को जानते हैं कि कभी भी ये गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक सकते हैं, इनके अंदर जितनी काबिलियत है फेंकने को, तो 8 नंबर तक हमारे पास ऐसे बल्लेबाज है कि किसी भी बॉल को कैसे भी रूप में बदल सकते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट प्लेयर केएल राहुल है, तो मैं चाहूँगा कि केएल राहुल ठीक है जी जी। आप दोनों ने ही अपने फेवरेट प्लेयर बता दिए, रोहित शर्मा केएल राहुल, आप दोनों के पास इस वक्त बैट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रोहित शर्मा का ऐसा कौन सा फेवरेट शॉट है आपका, मतलब जिसे देखते ही मतलब दिल खुश हो जाता है, अगर आप हमें बैट से वो थोड़ा सा करके बता दें तो हमें मजा आ जाएगा। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का पुल और कट बहुत अच्छा है। जी जी जी, तो मेरे रही सर उनका, अगर सबसे बड़ी बात है रोहित शर्मा जी, कुछ चाहे आप आगे बॉल डालो या बॉल पीछे डालो, वो दोनों जगह बहुत अच्छा खेलता है, खासकर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, आई मीन 50 एंड 20 ओवर में, तो उसका कोई जवाब नहीं है। जी अभिषेक जी, केएल राहुल आपका फेवरेट? केएल राहुल का मेरा फेवरेट, मुझे फेवरेट शॉट उसका लगता है इनसाइड आउट। अगर आप बैट से अगर हमें करके अगर थोड़ा दिखा सके, हमारे हवाई जनता देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि वो इनसाइड आउट मारते हैं, कवर से ऊपर से शॉट मारते हैं, पूरा फ्लो में आके आते हैं, स्टेप आउट करके मारते हैं, वो बहुत अच्छा उनका शॉट लगता है और उनका स्कोरिंग शॉट है, वो उनका स्कोरिंग शॉट है। और सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो शॉट उनका बहुत अच्छा है, वो पीछे साइड भी खेल लेते हैं, जैसे कि पीछे की बाउंड्री छोटी हो जाती है, जब हम सामने से बैटिंग करेंगे तो हमारे पीछे साइड छोटा हो जाता है, तो बॉलर के साथ खेलते हैं, बॉलर उनके साथ नहीं खेलता, वो बॉलर को खेलने नहीं देते अपने साथ, जहाँ तक मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग देखने में काफ़ी मजा आएगा। जी, तो जिस तरह से हमारे साथ अभी दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, दोनों ने ही अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बता दिया और उनके फेवरेट शॉट भी आपको दिखा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका, अरविंद जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारियां साझा की है। तो जिस तरह से आज क्रूशियल मैच होने वाला है, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में है, लेकिन यहाँ पर जो तापमान है वो अभी से हाई हो चुका है, सभी लोग इस वक्त बस वक्त देख रहे हैं, सबकी निगाहें इस वक्त घड़ी पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द 7:30 बजे और ये जो ऐतिहासिक मैच है ये शुरू हो जाए और एक बार फिर से हम पाकिस्तान को मौका ना देते हुए उन्हें टीवी फोड़ने का एक और मौका दे दें। पर इसका परिणाम तो भैया आज रात तक ही पता चलेगा, तो हम आपके से कहना चाहेंगे आप लोग अपनी राय को हमारे साथ साझा कीजिए, क्या लगता है आपको कौन सी टीम आज जीतने वाली है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम आरंभ है प्रचंड है में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।